इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, बताया कि बाघों का कहीं भी पता लगाना असंभव हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, फिर भी केवल एक बाघ ही चाहिए था। इफ यू कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर यदि यदि वह एक और बाघ है उसे मार लेते हैं तो द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, महाराजा के लिए कोई डर है कोई खतरा नहीं बचेगा। इफ सॉरी ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, उसके बाद से वो बाघों का शिकार करना छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, परंतु उसे किसे महाराजा को परंतु उन महाराजा को आखिरी बाघ के प्रति बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत थी। व्हाट एट द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, स्वर्गीय जो मतलब उनके देहांत हो चुका है मुख्य ज्योतिष है, उन्होंने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100 टाइगर, ट्रू इनफ। और बताया कि 99, उन्होंने कहा था 99 बाघों को मारने के बाद जो महाराजा है उनको 100 बाघ से सावधान रहना चाहिए, और जो बिल्कुल ठीक है। द टाइगर वाज स्वेज बेस्ट आफ्टर ऑल, जो टाइगर बाघ होता है आखिरकार एक हिंसक पशु होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और बताया कि उसे सचेत रहना उनसे सचेत रहना बहुत जरूरी है। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, परंतु 100 बाघ है ये कहाँ पर मिलेगा मिलना था। इट सीम इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर, बताया कि वहां पर जीवित बाघ को ढूंढने की अपेक्षा बाघ का दूध प्राप्त करना अधिक आसान था। दस द महाराजा वाज सन्क इन ग्लूम, और इस प्रकार महाराजा वो उदासी में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल दैट ग्लूम, और बताया कि परंतु जल्दी खुशी भरा समाचार आया और जिससे उनकी उदासी है उसको दूर कर दिया। इन हिज ओवन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, बताया कि उनके खुद के गांव खुद के प्रांत के अंदर एक पहाड़ी के पास बसे हुए गांव में से भेड़े गुम होनी शुरू हो जाती है। इट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन दैट दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मिया साहब और खैदर मिया साहेब और द वीरसामी नायकर, बताया कि ये जो काम था ये बोथ फेम देयर एबिलिटी टू स्वेलो सी पूल, इट वाज ये जो काम था सबसे पहले यह पता लगाया गया कि ये जो काम जो हो रहा है मतलब भेड़ों का गायब होना ये खादर मियां साहब या फिर वीर स्वामी नायकर का काम तो नहीं है, जो गांव के अंदर लोग बताते हैं कि ये महाराजा के पास तो गए नहीं लेकिन ये दोनों हैं, ये क्या थे ऐसे इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि पूरी की पूरी भेड़ है दोनों ही गायब कर जाते थे। श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से एक बाघ है उसका ये काम है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो ग्रामीण है वो दौड़कर महाराजा को सूचित करने के लिए आते हैं। द महाराजा अनाउंस ए टाइगर ए 3 ईयर एक्सेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, तभी महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने इन गांव के उस गांव के सभी प्रकार के करों से 3 साल तक की छूट दे दी और शिकार के लिए तुरंत चल दिए। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, बताया कि जो बाघ है वह आसानी से नहीं मिला। इट सीम एज इफ इट हैड वोंट ओनली हाइड हिमसेल्फ इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजा विल, ऐसा लग रहा था मानो महाराजा को उसकी महाराजा की इच्छा का मजाक बनाने के लिए उसने खुद को जानबूझकर छिपा लिया था। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, परंतु महाराजा वो उसके समान ही दृढ़ निश्चय थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उन्होंने जंगल छोड़ने के लिए मना कर दिया जब तक बाघ है वो नहीं मिल जाता है। एज द डे पास, जैसे दिन गुजरे टाइगर सॉरी द महाराजा फ्री एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, और बताया कि जैसे दिन बीतते गए महाराजा का गुस्सा और जिद है वो भी काफी हद तक बढ़ चली थी। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी नौकरियां खो दी। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट हिज हाइट, और बताया कि एक दिन जब महाराजा का गुस्सा है वो चरम पर था बहुत अधिक था, तो महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविद, और बताया कि उन्होंने दीवान को बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत जमीन के कर है वो 2 गुना कर दिए जाए, आने वाले जमीन के कर 2 गुना कर दिए जाए। द पीपल विल बिकेम डिसकंटेंट, बताया कि जो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट शो विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारी रियासत है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिकार हो जाएगी। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, तब राजा ने कहा दीवान से तो इस कारण तुम्हें अपना त्याग पत्र है वो देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी।
दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर शून द रिजल्ट वुड बी कैस्ट्रोट्रोपिक। बताया कि कैस्ट्रोपिक मीन्स होता है विनाशकारी। दीवान को घर जाते समय पूरा विश्वास हो गया था यदि महाराजा को जल्दी बाघ नहीं मिला तो उसके परिणाम है वो भयंकर होंगे, विनाशकारी होंगे। ए ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर व्हिच हैड बीन बॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हाइडिंग हिडन इन हिज हाउस। और बताया कि उसकी जान में जान तब आई जब उसने यह बाघ देखा जो मद्रास से के जो पब्लिक जो पार्क है जनता पार्क है वहां से मैं लाया था और उसे अपने घर में छिपा कर रखा हुआ था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, एक अर्ध रात्रि के अंदर आधी रात्रि में जब पूरा संसार है वो सोया हुआ था, पूरा जो शहर है वो सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोवड इट इन द सीट। और बताया कि आधी रात्रि में जब पूरा शहर सो रहा था तो दीवान और उसकी जो बूढ़ी पत्नी उन्होंने बाघ को कार तक खींचकर ले गए और उसे सीट पर धकेल दिया, उसे सीट के नीचे धकेल दिया। दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। और बताया कि दीवान खुद कार चलाकर सीधे जंगल लेकर गए जहां महाराजा शिकार के लिए ठहरे हुए शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट सत्याग्रह। सत्याग्रह इज द वे ऑफ द महात्मा गांधी टू फॉर द पॉलिटिकल इश्यू, मतलब अपनी बातों को मनवाने के लिए वो सत्याग्रह का सारा लेते थे। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। और बताया कि व्हेन दे रीच, जब वो जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं तो जो बाघ है उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया, मतलब वह बाहर निकलने पर जिद करने लगा और कार से बाहर आने से उसने इनकार कर दिया। दीवान वाज थ्रोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड। और बताया कि वह दीवान है, वह दीवान बाघ को कार से खींचकर धरती पर धकेलने के प्रयास में पूरी तरह से थक गया था। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन द हम्बल सप्लिकेशन, महाराज मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर मी ऑफ मी। बताया कि ऑन द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन वही बूढ़ा बाघ घूमता हुआ महाराजा के सामने आ गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे वह विनम्र निवेदन कर रहा हो कि स्वामी मेरे लिए क्या आदेश है। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast। और बताया कि महाराजा को जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं रहा और उसके साथ ही उसने उस पशु के ऊपर निशाना साधा। The tiger fell in the crumpled heap। और बताया कि बाघ सिकड़े हुए ढेर की तरह गिर गया। I have killed the 100 tiger। मैंने 100 बाघ मार दिया। My vow has been fulfilled। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। The Maharaja was overcome with elation। और महाराजा अपनी इस खुशी के अंदर बड़े प्रसन्न होते हैं और खुशी से वो क्या करते हैं, वो उधर प्रतिज्ञा पूरी हो गई, महाराजा बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेशन द महाराजा हैज सेंट अवे इन द कार। और उन्होंने आदेश दिया कि इस बाघ का जो मृत शरीर है इसे वे बड़े खुश हो जाते हैं और बाघ को एक भारी मृत शरीर को भारी जुलूस के साथ राजधानी में लाने का आदेश दे दिया और खुद जल्दी से कार में बैठकर वहां से चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के वहां चला जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर टू कैट द टाइगर, जो हंटर से शिकारी है वो नजदीकी से उसे देखने के लिए बाघ के पास जाते हैं। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग हिज आईज इन बेफलमेंट, जो बेफलमेंट मतलब घबराहट से जो बाघ है वो अपनी जो पुतली है अपनी जो आंखें हैं उन्हें घुमाकर व्याकुलता से अपनी आंखें घुमाते हुए उनकी ओर देखता है। इट मींस द टाइगर वाज नॉट किल्ड। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। और बताया कि उन आदमियों को पता चल गया शिकारियों को कि बाघ अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो गोली है उसने अपना निशाना चूक गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शूट ऑफ द बुलेट विजल पास्ट। बताया कि जो इसके पास से जो सनसनाती हुई गोली है उसके कारण यह बेहोश हो गया था, उसके कारण घबरा कर गिर गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब जो शिकारी है उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि वो क्या करे। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। महाराजा कभी ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने अपना निशाना चूक गया। इफ ही हैड दे कुड लॉस देयर जॉब्स, अगर उन्होंने ऐसा किया तो अपनी नौकरी खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टू केम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ वन फुट एंड शूट द टाइगर, उनमें से एक शिकारी ने एक फुट से निशाना लगाया एंड दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इससे उन्होंने
बिना अपना निशाना खोए हुए, बिना अपना निशाना चुके हुए बाघ को मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरिड। और इस प्रकार जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, उस बाघ के जो मृत शरीर है उसे उसे साम्राज्य के अंदर एक बड़े जलूस के साथ ले जाया गया एंड बरिड और दफना दिया गया। ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक जो टॉम्ब है, एक कबर है, वो बनाई गई। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों के बाद महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, महाराजा के जो बेटे है उसका तीसरा जन्मदिन है वो मनाया गया। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू द टाइगर हंटिंग, तब तक महाराजा ने अपना पूरा ध्यान है बाघों के शिकार के ऊपर लगाया हुआ था। ही हैड हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास उस शाही शिशु के लिए, शाही राजकुमार के लिए कोई समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब राजा ने अपना पूरा ध्यान है उस बेटे की तरफ, उस बच्चे की तरफ लगा रखा था। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उनकी इच्छा थी कोई मुख्य, कोई विशेष तोहफा है उसके बर्थडे पर दिया जाए। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वे शॉपिंग सेंटर में जाते प्रतिबंधपुरम के में एंड सर्च एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान है उसके ऊपर खोजते हैं। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, परंतु कुछ भी उसे सुटेबल एक उपयुक्त और तोहफा नहीं मिलता है। फाइनली ही रीच द वुडन टाइगर इन ए ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टाउन इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और अंत में उनकी नजर एक लकड़ी के बाघ के ऊपर पड़ती है, एक लोहे के सॉरी खिलौने के खिलौने की दुकान में, और निश्चय किया कि सबसे उपयुक्त तोहफा है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना एंड ए क्वार्टर, बट द शॉप कीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस इन टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ एमरजेंसी। जो वुडन टाइगर है, जो लकड़ी का जो भाग था, उसकी जो कीमत है वह केवल 2 आने और 1/4 हिस्सा थी, परंतु दुकानदार जानता था यदि उसने इतना कम पैसा महाराजा को बताया तो उसे आपातकाल के नियमों के तहत दंड दिया जाएगा। सो ही सेड योर मजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, और इसलिए उसने कहा कि महोदय यह कलाकारी का एक बेहद नायाब नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, और जिसकी कीमत है 300 रुपए तय की गई है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, बताया कि तुम्हारी तरफ से उपहार है, राजा ने कहा, और इसे अपने साथ वह लेकर चल देते हैं। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, इस दिन फादर मतलब बेटा और जो पिता है दोनों के दोनों उस छोटे वुडन लकड़ी के बाघ से खेलते रहे। इट हैड बीन कॉट बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, इसको एक कारपेंटर, एक अनस्किल्ड जो कारपेंटर है उसके द्वारा, अनिपुण जो कारपेंटर था उसके द्वारा इसे तरासा गया था। ए सरफेस वाज रफ, इसका जो सतह थी वो बड़ी खुरदरी थी। टिनिश वेस ऑफ वुड स्टूड अप लाइक ए क्वेल्स ऑल ओवर इट, बताया कि छोटे छोटे जो रेशे थे, छोटे छोटे बढ़ई के द्वारा बनाया गया था, और छोटे छोटे जो रेशे थे कांटों की तरह इसके ऊपर लगे हुए थे, उसके ऊपर थे। इट वन ऑफ दोज स्लेव्स पेयर्स ऑफ द महाराजाज राइट हैंड, इनमें से एक जो फांस है महाराजा के राइट हैंड दाएं हाथ के अंदर लग जाती है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और उसे अपने दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से उसे बाहर निकाल लेते हैं। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ लगातार खेलते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और अगले दिन जो इन्फेक्शन है, इसका जो संक्रमण है, वो महाराजा के राइट हैंड के अंदर फैल गया। इन 4 days, 4 दिनों में डेवलप्ड इन द स्पोर्टिंग शोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और बताया कि 4 दिनों के अंदर ही उसके अंदर पीप से वह घाव भर गया और सारी बांह के अंदर वह फैल गया था। 3 famous surgeons वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, और बताया कि 3 प्रमुख जो फेमस जो सर्जन है मद्रास शल्य चिकित्सक है बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, एक विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced, तीनों सर्जन जिन्होंने जो किया था ऑपरेशन वो बाहर आते हैं और घोषणा करते हैं। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन है वो सक्सेस, मिशन है वो सफल रहा। महाराजा इज डेड, महाराजा मारे गए। इन दिस मैटर द अंडर टाइगर टुक हिज फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस प्रकार से जो सोवा बाघ है उसने राजा से अपना बदला लिया।